ब्रेक के बाद वहाँ जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम चल पड़ते हैं हमारी उसी मंजिल की ओर और देखते हैं आत्मकथा में आगे और क्या रखा है। इनके पुत्र भी इनकी तरह एक सफल उद्योगपति बनने के साथ साथ समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं और अपने पिता को हर आयु वर्ग के लिए एक प्रेरणा मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उनके उनका लड़का हूं और वो जैसे समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है। मैं भी चाहता हूं कि मैं उनके साथ में अपना एक स्थान एक सोशल लाइफ में करूं, क्योंकि जैसे बिजनेस में तो मैं उनके साथ में हुई और साथ में सोशल लाइफ में भी अगर उनके साथ में रहूंगा तो उनके साथ में थोड़ा सा उनका हेल्प भी होगा और जो समाज के लिए कर रहे हैं वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। विजय जोतवासिया दो हमको अच्छा लगता है देखने में, दो नाम है, दो बिजनेस में काम करते हैं, लाइफ में काम है, जो पापा का नाम है चुनते हैं, मेरा भी नाम चुनने का काम है, दो अच्छा लगते हैं। इनकी पुत्र वधु यानी इनकी बहू के कथनानुसार शादी के पश्चात इस परिवार से जुड़ने के बाद उन्हें कभी भी मायके की याद ही नहीं आई और न ही कभी मायके की कमी महसूस हुई। पिता से बढ़कर इस घर में प्यार मिला। यहाँ पर मम्मी पापा सब एकदम मेरे पियर के जैसे मम्मी पापा की तरह ही है। पापा जो हैं वो आज के जमाने के हैं, वो हर जमाने के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं और उनकी जो सोशल लाइफ है वो हमें बहुत अच्छी लगती है और वो जहाँ भी सोशल वर्क करने जाते हैं हम उनके साथ जाते हैं और वो सब चीज़ें हमें भी बहुत आकर्षित करती हैं। विजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो आप अपने आप को इस डलनेस से बचाने के लिए और खुद को तरोताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि आपके शौक क्या क्या हैं? मैं शौक के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि समाज सेवा, समाज की ज़रूरतमंद के कोई भी काम आना या समाज का कोई भी कार्य हो उसी में मेरी रुचि ज़्यादा रहती है और परिवार के साथ घूमने का भी शौक़ रहता है, लेकिन घूमने में शौक है, पिक्चर देखने में मेरा शौक नहीं है। लेकिन वास्तविक मेरे को खुशी होती है जब समाज के किसी भी कार्य में मैं अपना हाथ बटा सकूँ। इन्होंने तो हमसे नहीं कहा पर मैं आपको बता दूं, विजय जी को कविता लिखने और पढ़ने दोनों का बहुत शौक है। बड़का कितनो संकट झेलिया, कितनी खेचड़ खाई है, बड़का कितनो संकट झेलिया, कितनी खेचड़ खाई है, नयो जमानो की जाने या लक्ष्मी कहीं आई है। कुछ कर्म कुछ कर्तव्य कुछ सहाय रघुवीर, अपने कर्म और अपने कर्तव्य के साथ साथ भगवान का अनुसरण ये हमेशा करते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये जानते हैं कि भगवान उनकी कभी मदद नहीं करते जो स्वयं की मदद ना करते हों। एक सफल उद्योगपति होना और एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता होना दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं, क्योंकि जब तक दोनों क्षेत्रों को भरपूर समय परिश्रम और लगन नहीं दिया जाएगा तब तक सफलता हासिल नहीं हो सकती। परंतु विजय जी ने एक सफल उद्योगपति के साथ साथ एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जो भूमिका निभाई है और अपने व्यवसाय और सामाजिक कार्य के साथ साथ पारिवारिक दायित्व को निभाया है, ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उनकी एक रचना एकला चलो रे का अनुसरण भी विजय जी ने बखूबी किया है। इनका मानना है कि अगर आप कोई भी कार्य समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ सच्ची निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो आप अपने पथ पर निरंतर चलते रहें, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। बंगाल की इस धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर की ये कुछ लाइनें हम सबको बहुत प्रभावित करती है। जैसा कि विजय जी ने कहा, जोदि तोर डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे।
इनके व्यक्तित्व को देखकर और इनके मृदु स्वभाव के कारण बहुत से लोग इनके घायल हैं और इनसे वार्तालाप के दौरान अहंकार के भाव बिल्कुल भी नहीं छलकते। विजय जी हमारे समाज का वो रत्न है जिन्होंने हमारे समाज और अन्य समाज को एक नया सवेरा देने का भरसक प्रयास किया है और वो काफी हद तक उसमें सफलता भी हासिल कर चुके हैं। अब ये आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य है कि वो भी आगे आए और समाज को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाए जिसे मारवाड़ी समाज का वृक्ष जो आज हरा भरा है वो जल्द ही एक बड़े बरगद का रूप ले ले, जिसे आने वाले युगों युगों तक करोड़ों लोग इसकी छाओं का लाभ ले सके। आप आज इस माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या स्पेसिफिक प्रेरणा देना चाहेंगे? समाज के लिए मेरी प्रेरणा यही है और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मनुष्य कोई भी कार्य चाहे तो असंभव कुछ भी नहीं है, उसमें उसकी लगन होनी चाहिए। अगर सच्ची लगन है, सच्चा विश्वास है और धैर्य के साथ अगर किसी भी कार्य को आगे बढ़ाए तो उसे सफलता मिलती है। विजय जी, वहाँ जिंदगी के इस कार्यक्रम का आप एक हिस्सा बने, एक अमूल्य हिस्सा बने, उसके लिए वहाँ जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे को वहाँ जिंदगी के इस हिस्से में शामिल किया और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं पूरी टीम को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। था आज यहीं तक। हमने देखा कि किस प्रकार से उनका जन्म तो हुआ था जमीन पर, भूमि पर अपनी मेहनत, अपने कर्म के बलबूते पर वह आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमेशा की तरह अपने सुझाव हमें भेजते रहे। हमारा नंबर है 0334063400। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं wahzindagi@yahoo.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज वह जिंदगी, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहूंगी, इस गर्मी में अपने अपने परिवार की और अपने नेबर्स की जिंदगी का, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट थे जागृति धाम, अ गोल्ड एज होम, आनंद फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, सीएसआई इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, आक्षी, नारी को संपूर्ण बनाए, टीटी लिमिटेड, जिंदगी इज गुड, एट लाइफ केयरिंग माइंड्स, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर, मेक्स यू फिट इन फैब एंड महल नाम शेड्स एट स्पार्क योर लाइफ।